हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे बीकॉम सेम फॉर टैक्सेशंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक बीकॉम सेम फॉर टैक्सेशंस के बारे में। ये एग्जांपल नंबर 13 मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो ये कुछ रकम दी हुई है हमें यहाँ पर, तो इसका मैं सॉल्यूशन ला के आपको दिखाऊंगा। ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन ला चुका हूँ तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे सिंपल से एक फॉर्मेट बना लेना है, विगत रकम रकम। ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट कैसे बनता है, ये इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वाली आप वीडियो समझ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा सिंपल सी फॉर्मेट बना लेना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है फर्स्ट अंगत रहटाणु मकान, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी बेचान कीमत हमें यहाँ पर दी हुई है 42,03,000। तो ये हमने फर्स्ट ले लिया, ये फर्स्ट, और इसकी रकम लिख ली हमने 42,03,000। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है फेर बदली का खर्चा। तो हम यहाँ पर लिख लिया, ये ट्रांसफ़र खर्च और फेर बदली खर्च दोनों एक ही होता है। ठीक है, और दलाली कुछ यहाँ पर दलाली दी नहीं है, खरीदी नहीं सुधार ली पड़ता है। इसके लिए हमें एक सिंपल सी एक सूत्र है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो इसके पहले वाले वीडियो में सेपरेटली मैं आपको बता चुका हूँ। खरीद ली पड़ता के ढूंढने के लिए खरेखर पड़तर इंटू चालू वर्षनों फेरबदलीनों दर अपॉन खरीदीना वर्षनों सूचकांक। तो देख लीजिए, खरीदीनी कीमत इंटू ये सूचकांक चालू वर्षनों और ये आपको ये 100 अगौना वर्षनों सूचकांक। तो ये 3,00,000 इंटू 1,125 भाग्या 100, तो हमारा ये आंसर आएगा 37,75,000 प्लस हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 33,98,000 आ जाएगा। और इसके बाद हम ये 42,03,000 और 33,98,000 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 8,05,000 आएगा। उसमें से हमें ये 9 मकान है तो हमें ये पाँचवें नंबर का हमें यहाँ पर बता हुआ है अंगत रहटाणु मकान 7,65,000, ये हमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पर 7,65,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो ये दोनों 8,05,000 में से 7,65,000 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर 40,000 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत काम आएगा आपको आने वाले एग्जामिनेशन में। ये पहली मिलकत हमें यहाँ पर कम्प्लीट हो गई। अब दूसरी मिलकत हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये दूसरी मिलकत, उसकी बेचान कीमत हमें 4,60,000 दी हुई है और फेर बदली का खर्च यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये दूसरी बेचान कीमत हमें यहाँ पर 4,60,000 दी है, ट्रांसफ़र खर्चा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो हमने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, दलाली भी कुछ नहीं है, खरीदने सुधारे लिए पड़ता के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये खरीद कीमत हमें यहाँ पर दी है 1,59,040 इंटू 11,25 अप॔न 497, ये आपको ऊपर सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा। तो 1,59,040 इंटू 11,25 अप॔न 497, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसमें से 4,60,000 में से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा 1,00,000 बचेगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी भी कंप्लीट हो गई, दूसरी मिलकत। अब हम तीसरी मिलकत को देख लेते हैं। दूसरी मिलकत को हमने बार इसीलिए नहीं लिखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है
रिलायंस लिमिटेड ना शेयर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोज बनने कंपनियों ने वेचेल शेयर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन ने टैक्स ने पात्र छे। अगर ट्रांजेक्शन के पात्र हो तो हम इसको बाहर नहीं लिखते, मतलब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब तीसरी मिल्कियत हम यहाँ पर दी हुई है अरविंद लिमिटेड ना शेयर, अरविंद लिमिटेड ना शेयर 252,800, इसकी फेरे बदले की कीमत है 4,000। तो देखिए तीसरी मिल्कियत ये 252,800, ट्रांसपोर्ट खर्चा 4,000 दिया हुआ है, और खरीदने सुधारली पड़तर के लिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, खरीदने सुधारली पड़तर के लिए 73,200 × 11,25 / 248 244, तो 73,200 × 11,25 / 244, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये इसको और इसको हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे ये 341,500 आ जाएगा। इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर माइनस में आ जाएगा। अगर माइनस में आता है तब भी हम ये वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे। दोस्तों ये तीसरी मिल्कियत भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी। अब चौथी मिल्कियत हम यहाँ पर देख लेते हैं। चौथी मिल्कियत की हमारी यहाँ पर वेचन कीमत 34,48,100, और इसका फेर बदली खर्च मतलब ट्रांसपोर्ट खर्च 11,000 दिया हुआ है। तो देखिए ये वेचन कीमत 34,48,100, ट्रांसपोर्ट खर्च हमने 11,000 लिख लिया। अब सुधारली पड़तर, सुधारली पड़तर के लिए हम देख लेते हैं, सुधारली पड़तर के लिए खरीद कीमत यहाँ पर 399,000 × 11,25 / 134। एक 399,000 × 11,25 / 133, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे सामने ये आंसर आ जाएगा, और इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों ये चारों मिल्कत हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और चारों मिल्कत में से हमने जितनी भी हमने ये वाले कॉलम में लिखा था, मतलब चारों चारों मिल्कत में हमने ये वाले कॉलम में जो भी लिखा है उस सब का टोटल करके हमें यहाँ पर लिखना होता है। ये यहाँ पर टोटल हमें यहाँ पर लिखना होता है, और इसे हम यहाँ लिख देते कुल कर पात्र मूड़ी नफो, ठीक है दोस्तों। अंगद रेटा नु मकान 15 ना वेचल छे, वेचल अंगद मकान 15 ना वेचल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन कर पात्र हो है, तो हम इसे बाहर नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एग्जांपल नंबर सामने लेके बैठिए, नोट और पेन आप लेकर बैठिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर और भी समझ में ना आया तो मैं इसके पहले वाला एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देखकर आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करना शेयर करना ना भूलें, और हाँ सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, और नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।